नमस्कार अर्गस अपडेट को आपन को स्वागत करूछि मु स्मृति लग्नाव। प्रथमे हेडलाइंस, नारदा स्ट्रिंग केस रे टीएमसी मंत्री समेत चार गिरफ। सीबीआई ऑफिस रे पहुंचले ममता बनर्जी, गिरफ्तारी को विरोध, टीएमसी कर्मी को विक्षोभ, सीबीआई ऑफिस ऊपर को पत्थर माड़। कोरोना नहीं आज सर्वदलीय बैठक, बेड व ऑक्सीजन प्रसंग रे होई पारे आलोचना। एपटे प्रति गांव में टीएमसी खोलिबा को बसंत पंडा दावी, कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट उपरे गुरुत्व। लैंडफॉल पूर्वरु ताउकते तांडव, अति भयंकर रूप नहीं माड़ी आसुची बात्या। आज राति सुधा गुजरात उपकूल करिबो अतिक्रम, प्रशासन पक्षरु व्यापक व्यवस्था, मुंबई सूरत एयरपोर्ट बंद। लॉकडाउन मानिले भांगिब कोरोना चेन, लोक सचेतन हेले चेतिब वायरस, समस्तंक परि बंचिबा को चाहे कोरोना। जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ डाक्टर निरंजन मिश्र कहले वायरस देखेनी गां की सहर। काम देउनी कि लॉकडाउन, खसुनी संक्रमण। राज्य में आज 10,757 पॉजिटिव, कटकु सर्वाधिक 973, पछक रही खोर्धा 909 आक्रांत, आउ 22 मुंड नेला महामारी। कोरोना मुकाबला पाई नुआ संजीवनी, डीआरडीओ पक्षर विकसित कोरोना औषध 2DG शुभारंभ। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्री कले उद्घाटन, प्रथम पर्यायर मिल 10,000 डोज। विशिष्ट संगीतज्ञ अमरेन्द्र महांती परलोक, 63 वर्ष बयस एक घर हस्पिटाल मृत्यु, किसी दिन है कोरोन आक्रांत। संपूर्ण खबर को आसीबा, कोरोना मुकाबला नहीं आज बसिब सर्वदलीय बैठक। राज्य में कोरोना स्थिति गंभीर रही, आज संध्या 5:30 समय विधायक मानों सहित आलोचना बैठक डाकी मुख्यमंत्री। विधानसभा सम्मेलन कक्ष में बसिब यह मीटिंग, कोविड कटकणा भितर लोकसेवा भवन बैठक में जोगदेवे विधायक व विभिन्न दलर मुख्य सचेतक। जो मैंने न आसीपारे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से जोगदेवे, आग को किभली दक्षतार सहित कोरोना महामारी मुकाबला करा जाई पारिबो से नहीं बैठक में आलोचना करा जिबो। ता सहित विधायक माने निज निजर मत रखा सहित सरकार को परामर्श दे पारिबे बोली सूचना मिली। सर्वदलीय बैठक पूर्वर बसंत पंडा प्रतिक्रिया, से कहते ओडिशा सरकार आज परिस्थिति को गंभीरतार सहित भाविबा दरकार। टेस्टिंग अभाव्रु ग्रामांचल अनेक लोक संक्रमित हो मृत्युवरण करु, राज्य सरकार जापना राज्यर प्रति स्थान में टेस्टिंग बढ़ावार आवश्यकता रोचे। अन्य राज्य में लॉकडाउन और सटडाउन थी घर को फेरुंच दादन, से पंचायत स्तर में अस्थायी स्वास्थ्य केन्द्र और क्वारंटाइन सेन्टर खोल जाऊ। प्रति पंचायत और गाँव में कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट खोल जाऊ। आशाकर्मी स्वास्थ्यकर्मी विभिन्न दलर लोक सामिल करने दावी कर बसंत पंडा। सर्वदलीय बैठक पूर्व बसंत पंडा 5 प्रस्ताव, सर्वदलीय बैठक पूर्व जो 5 प्रस्ताव देखते से पंचायत स्तर में अस्थायी स्वास्थ्य केन्द्र और क्वारंटाइन प्रस्ताव रही, ग्रामांचल में टेस्टिंग अभाव रही। जदि ग्रामांचल में टेस्टिंग बढ़िब तेज निश्चित भाव में आहरी अधिक संक्रमित चिन्हट हो पारे, और विशेष भाव में गांव गहलर लोकों अधिक सचेतनतार आवश्यकता रही से मत प्रकाश कर। पंचायत एवं गांव में कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट खोल जाऊ। वर्तमान गांव को कोरोना व्यापार आशंका अधिक रही, पंचायत स्तर में अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र और क्वारंटाइन सेंटर खोलू बोली प्रस्ताव रखिंट। ता सहित ग्रामांचल में टेस्टिंग अभाव रही बसंत पंडा 5 प्रस्ताव में आगत करते, जो बिना टेस्टिंग लोक मृत्युवरण करुले भी जापार सरकार। राज्य प्रति स्थान में टेस्टिंग बढ़ावार आवश्यकता उपर आलोकपात कर बसंत पंडा। आज गंभीरतार सह चिंता करबार कथा जे टेस्टिंग अभावरु ग्रामांचल रे अनेक लोक संक्रमित हेला परे मृत्युवरण मध्य करुछंती एवं सरकार जानी पारु नहीं, तेणु प्रत्येक जगारे टेस्टिंग बढ़ावार आवश्यकता अछे। एवं वर्तमान जो भली भावरे सारा देश रे लॉकडाउन विभिन्न राज्य घोषणा करिछन, आमर पलातक बा आमर दादन श्रमिक माने
घर को फेरुछन एवं घर को फेरला बेलू निश्चित रूप से संक्रमण बढ़ी चली से टेम्परारी मेडिकल सेंटर बा अस्थायी स्वास्थ्य केन्द्र माने पंचायत रे विगत दिन रे जेंता खोला है क्वारंटाइन सेंटर जेंता खोला है औषध पत्र देवार जहाँ व्यवस्था होता से व्यवस्था को पुनर्बार लागू करवार आवश्यकता अच्छे तत्संगे संगे कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट करवाई प्रत्येक पंचायत रे प्रत्येक गाँव रे आशाकर्मी एवं विभिन्न स्वास्थ्यकर्मी मानकु नहींकर विभिन्न दलर लोकंकु नहींकर विभिन्न समाज प्रतिष्ठित वर्ग को लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट टीम तैयारी करी कोविड मैनेजमेंट के ठीक हिसाब से हो पार्बा से दृढ़ पदक्षेप नेबार आवश्यकता अच्छे सरकार भूलुन नहीं धीरे धीरे ग्रामाभिमुखी हो चलीछे कोरोना संक्रमण तेणु ग्रामाभिमुखी स्वास्थ्य सेवा आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी अनुभव करुछे। नारदा स्टिंग केस रे सीबीआई रो कार्यानुष्ठान टीएमसी नेता को गिरफ्त करी सीबीआई परिवहन मंत्री फरहाद हाकिम कर समेत चारि जन को गिरफ्त करा जाय छी। टीएमसी विधायक सुब्रत मुखर्जी विधायक मदन मित्रा पूर्वतन मंत्री सोवन चाटर्जी को गिरफ्त करी सीबीआई तबे चारि जन को आज कोर्ट रे हाजर करा जिवो यहारी भितरे सीबीआई रो ऑफिस रे पहुंचिथिले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी टीएमसी नेता गिरफ्तारी को से विरोध करिसेंती। टीएमसी नेता गिरफ्त करबा बेआईन बोली कहिसेंती ममता बनर्जी। सीबीआई ऑफिस बाहर टीएमसी समर्थक माने विरोध प्रदर्शन करिसेंती। सीबीआई ऑफिस रे ऊपर को पत्थर माड़ मध्य करिसेंती एवं पुलिस पक्ष टीएमसी कर्मी को लाठी माड़ करा जायछि। ए बाबद अधिक आलोचना करने वरिष्ठ सांबादिक दिलीप दास फोन लाइन में जोड़ी होती श्रीजुक्त दास स्वागत करुँ को अर्गस न्यूज को किभली देखुं घटना को गोटेपटे मुख्यमंत्री पहुंची ममता बनर्जी कहवा कथा टीएमसी सांसद गिरफ्तारी बेआईन अटे केमी देखुं सका आज फिरोज हकीम सुब्रत मुखर्जी मंत्री दुई मंत्री पूर्वतन मंत्री मदन मित्र को पूर्वतन मेयर आ मंत्री शोभन चट्टोपाध्याय गिरफ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची निजाम पैलेस रे 14 ताल रे निजाम पैलेस रे मुख्यमंत्री धारणा रे बसछंती गिरफ करिवा र से कहिसेंती जे होची बेआईनी मते भी गिरफ करिवा को पड़िबो मो सहकर्मी मानको जो माने गिरफ कराई छी त सेटा होची बेआईनी व्यापक भाव विभिन्न अंचल रु तृणमूल समर्थक माने निजाम पैलेस बाहर एकत्रित होती इटा पत्थर निजाम पैलेस इटा पत्थर माड़ करने आरंभ कर परिस्थिति भयानक ए संपर्क में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ट्वीट करके अविलंबे आईन श्रृंखला परिस्थिति को ये करने से मुख्यमंत्री की निवेदन कर जिते समय धरिक मुख्यमंत्री 14 ताला रे बसिक रही बाहर व्यापक गंडगोल हो राज्यव्यापी रास्ता पर सोई तृणमूल कर्मी मान तांडव चलती श्रीजुक्त दास प्रत्येक क्षेत्र में देखा मिलू हिंसा सामना को आसुची सीबीआई ऑफिसर को ऊपर को पत्थर माड़ को आप कि देखुं से तर्क दे संपर्क में तर्क दे स्टिंग ऑपरेशन जोटा होता 2014 मसीह से आम वर्तमान जी विरोधी दल नेता शुभेंदु अधिकारी वर्तमान जी सर्वभारतीय उपसभापति मुकुल राय से भी आसते से कहीं गिरफ्त करागला नहीं ये हूँ बीजेपी गोटे मान हिंसार राजनीति इच्छाकृत भाव गिरफ्त प्रचार करी से विरोध प्रचंड भाव में वर्तमान जी परिस्थिति कौन हम राज्य परिस्थिति सहर तो व्यापक भाव आरंभ हो ये तो बंगालू से आरंभ हो राज्यपाल निवेदन कर सारा कौन हम वर्तमान स्थिति किंतु साधारण जनता को ऊपर आपण यार प्रभाव केमती देखुं बारंबार जदि देखा हिंसार घटना सामना को आसुची एवं पुणि थे से समान घटना देखा मिली जो आईन श्रृंखला परिस्थिति उपजी रास्तार लोक मैंने विक्षोभ करुछंती ढेला पत्थर माड़ करुछंती
ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଦେଖାଯାଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆମ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅନୁଭୂତିରୁ, ଯେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳ ଯୋଉ ଦଳ କ୍ଷମତାରେ ରହୁଛି ସେଇ ଦଳର ପାଲା ସଦାବେଳେ ଭାରି। ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ବାମ ସରକାର ସମୟରେ ବି ଦେଖିଛୁ ଯେ ବାମ ସରକାର ଥିବା ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲେ, ନୀରବ ରହୁଥିଲେ, ନୀରବ ଦର୍ଶକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଭୟାନକ, କୌଣସି ଲୋକ ସଠିକ କଥାଟିଏ କହିବାକୁ ବି ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି, କି ବାହାରକୁ ପ୍ରତିବାଦର କୌଣସି ସ୍ୱର ନାହିଁ ଗୋଟାଏ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ହିଂସା ସିଏ ବି ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। ତାପରେ ଆଜି ସକାଳ ଠାରୁ ଯୋଉ ନାଟକୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ସବୁ ଘଟି ଚାଲିଛି, ତା ଦେହରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଅବସ୍ଥା, ଯେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଯେ ଅବସ୍ଥା, ନିଶ୍ଚୟ ନ କହିବା ଭଲ। ଏବଂ ଯୋଉ କଥା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଶାସକ ଦଳ ଯିଏ ରହୁଛି ବା ଶାସନରେ ଯିଏ ରହୁଛି ସବୁବେଳେ ଭୟମୁକ୍ତ ଆଚରଣ ଦେଖାଉଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଉଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଏକ ବିପଦ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବାରୁ। କଳଙ୍କରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆରବ ସାଗରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ବାତ୍ୟା ତାଉକତେ। ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଭେରି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମର ରୂପ ନେଇଛି ବାତ୍ୟା। ଗତ 6 ଘଣ୍ଟା ହେବ ବାତ୍ୟା 15 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ମୁମ୍ବାଇ ଉପକୂଳରୁ 150 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଡିଓ ଠାରୁ 220 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ଏହା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଗୁଜରାଟ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ରାତି 8ଟାରୁ 11ଟା ଭିତରେ ବାତ୍ୟା ପୋରବନ୍ଦର ଏବଂ ମହୁବା ଦେଇ ଯାଇପାରେ। ଏ ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପବନର ବେଗ 155ରୁ 165 ରହିପାରେ। ତେବେ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ି 185 କିଲୋମିଟର ହୋଇପାରେ। ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇ ସୁରଟ ଏୟାରପୋର୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଗାଁରେ ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମଣ, 3 ସପ୍ତାହ ହେଲାଣି ଗାଁରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସଂକ୍ରମଣ। ଏନେଇ ଡାକ୍ତର ନିରୋଜ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଁ ସଂକ୍ରମଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିରୋଜ ମିଶ୍ର। ତେବେ ଟେଷ୍ଟିଂ ନଥିବାରୁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଥିବାରୁ 40ରୁ 50% ପଜିଟିଭ ବାହାରୁଛି, ଫଳରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେବେ ସହର ପରେ ଏଠାରେ ସଂକ୍ରମଣ କମିବ, ଗାଁରେ ଲକଡାଉନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେଉନଥିବାରୁ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି। ସରପଞ୍ଚ, ମୁଖିଆ ଏବଂ ଏନ୍ଜିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରେ। ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲା, ଏହାଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ୁନି କି ମୃତ୍ୟୁହାର କମୁନି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ସରକାର। ଗାଁମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ଆମର ସେଠି ଟେଷ୍ଟିଂର ଫାସିଲିଟି ଏତେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା ବି ହେଉଛି ବେସିକାଲି ରାପିଡ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଫାସିଲିଟି ନଥିବାକୁ ରାପିଡ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଯେଉଁଟା ଟିକେ ଲେସ୍ ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ଟେଷ୍ଟ, ତେଣୁ ତଥାପି ଆମେ କେସ୍ ମିସ୍ କରିକି ବି 50% ଆମର କେସେସ୍ ପଜିଟିଭିଟି ଆସିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ସିଗ୍ନିଫିକେଣ୍ଟ କରିଛି, ଆମର ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ କେସ୍ ଲୋଡ଼୍ ଅଛି ଗାଁମାନଙ୍କରେ, ଏଇଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଛି ଗାଁମାନଙ୍କରେ। ସେଥିଲାଗି ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ଟା ହେବ ଯେତେବେଳେ କମିବ, ଏଇଟା ସହରମାନଙ୍କରେ ଆଗେ କମିଯିବ କିନ୍ତୁ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ସେଠୁ ଯେହେତୁ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସେସ୍ ଆସିବେ, ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ଆମ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଯେଉଁ ରାପିଡ୍ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ନହିକି ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ। ହଁ, ଗାଁରେ ତ କିଛି ପରିମାଣରେ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲକଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ଟାକୁ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଜବରଦସ୍ତି ଆପଣ ଏନ୍ଫୋର୍ସ କରିବାଟା ମୋ ମତରେ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେତିକିରେ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ, ମୁଖିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଟିଚର୍ମାନଙ୍କୁ, ଏନ୍ଜିଓଜ୍ମାନଙ୍କୁ, ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟେଷ୍ଟଟା ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼୍ର ଭୟାବହତା ଉପରେ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାର ମାନେ କେତେ ଜରୁରୀ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତିକି ଯଦି କଲେ ମୋ ମତରେ ଗାଁରେ ବେଶ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହୋଇପାରିବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଖାଲି ବୁଝିବା ଦରକାର। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ କ୍ୟାମ୍ପ କରି ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ସବୁଆଡ଼େ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି। ବିଡିଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଟିମ୍ କରି ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। ତେବେ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଉଛି ତେବେ ଜଣାନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ କ୍ଲଷ୍ଟର କରି TMC ଖୋଲାଯାଇଛି।
पॉजिटिव बाहर ले टीएमसी रे रहिबे जो मानकर घरे संगरोध रहिबार सुविधा नाही से माने रही परिबे ओडिसा रो श्रमिक मानको विभिन्न राज्य रे सठिक भाबे रखा जाउनी तेनो से माने फेरुचंती सर्वदलय बैठक रे विरोधी को मतरु जहां निष्कर्ष बाहरिबो सरकार विचार को नेबे बोली कहिसंती प्रमिला मलिक। ग्रामांचल रे बहु जगह रे जोठी कंप्लेंट आसुची सेठी संगे संगे हम कैंप करचु मेडिकल कैंप करैकी ताको टेस्ट कराऊ अधिक परिमाण में टेस्ट केमती करा जीवो से कथा व्यवस्था कराऊ सानिटाइज केमती करा जीवो फायर स्टेशन सहित कथबार्ता करके सानिटाइज केमती करा जीवो गाँव गुड़िक से व्यवस्था मध्ये करा जाई छी जोठी जेते बेले कंप्लेन आसी वीडियो तहसीलदार और मेडिकल अफिसर मैंने स्वतंत्र भाव में टीम करके अपेक्षा कर जो जगार कंप्लेन आसी सांगे सांगे जा जगह सानिटाइज करवा और लोक अधिक परिमाण टेस्ट करके जो मान पॉजिटिव बाहर अलग भाव रखा और मेडिकल पठेवा यह व्यवस्था ग्रामांचल मानक चालू रही। बजारे नकली ऑक्सीमीटर कोरोना पाई ऑक्सीमीटर चाहिदा बढ़िथिबा बेले बे बजार रे बुलुछि माळो माळो नकली ऑक्सीमीटर जहाँ कुने चिंता रे पड़िछंती ग्राहक भुवनेश्वर रे बास करथुबा गौरी प्रसाद दास एभळी अभिजोग आनिछंती से दुई दुईटी ऑक्सीमीटर किनिथिले मध्य ताहा नकली बोली जानि परिछंती परिवार रे जेकोनसी व्यक्तिंकर ऑक्सीजन मात्रा मापिले समस्तंकर समान आसुथवा जणा पड़िछि एभळी कि हातरे ग्लोव्स पिंधिले मध्य मात्रा समान रहुछि एभली नकली सामग्री बिक्री रोकिबा पई एक टीम गठन करा जाउ बोली से दाबी रखी छंती। मोर तेरह चौदह दिन तले मोर कोविड पॉजिटिव आसला रिपोर्ट एंड देन मु डॉक्टर को परामर्श क्रम में मु मेडिसिन्स वगैरह नहीं थी एंड देन मते मोर ऑक्सीजन लेवल चेक करने मते ऑक्सीमीटर गोटे रखापी मते परामर्श दिया है सो मु पूर्व दुईटा ऑक्सीमीटर मोर फेक बाहरी जोटा कि ऑलरेडी कही सारी एंड तापर रिसेंटली मुझे आउ थे मत अनकम्फर्ट फील है सो मु आउ गोटे ऑक्सीमीटर आनली गोटे रेपुटेड ब्रांड र देन मते फील होगा एथेर भी किसी प्रॉब्लम अच्छे कारण मोर सब गोटे ही रीडिंग शो कला एंड मो जो मो फैमिली रे ट्राए कली समस्त भी सेम रीडिंग आसला देन ग्लोव्स पिंधिक यूज कली ग्लोव्स भी सेम ही रीडिंग आसूची दैट मीनस एटा भी गोटे फेक प्रडक्ट थी याद भी किसी प्रोब्लम थी देन मुझ कस्टमर केयर भी कंटाक्ट कली जो सप ओनर जी थे सां कथी से भी सेमती किसी हेल्प कले से कह आप कंपानी कथ हूँ आम किसी याद करें सो मुझे जस्ट जानवाक चाहूँचे आपण मैंने भी जाथे जो कोविड टाइम हापी हाइपोक्सिया कि डॉक्टर मैंने बेसी कहते आप यूज करूँ ऑक्सीजन लेवलटा आप चेक करूँ रेगुलरली सो जदि आमर मानने यही फेक प्रडक्ट जदि किसी भी आम स्वास्थ्य अवस्था खराब हो जदि किसी प्रोब्लेम होती दायी किए रोब कारण गवर्नमेंट और पुलिस प्रशासन बा जो भी आपंकर स्क्वाड होती है स्पेशल स्क्वाड से किसी भी आई थिंक नौ ना या पर एक्शन सो बेधड़क एमती सब चली ब्रांडेड जिनस फल्ट बाहर तेज़ क्या ट्रस्ट कर आज शुभारंभ है डीआरडीओ विकसित करथिबा कोरोना औषध टू डीजी तेबे डॉक्टर रेडिस लैबोरेटरी सहित मिलित भाव में डिफेन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ए औषध तैयारी करछि उद्घाटन अवसर में प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन उपस्थित रही थे आज राजनाथ सिंह 10,000 डोज बंटन करेंगे दिल्ली किसी हस्पिटाल दिजा तेरे टू डीऑक्सी डी ग्लुकोज टू डीजी ए नामक औषध कोरोना चिकित्सा रे बेस उपयोगी हेबो बोली कहा जाउछि कोरोना विरोध ले लड़िबा पई कोनसी निर्दिष्ट औषध नथिबा बेले एहा को जरूरीकालीन व्यवहार पई अनुमति देछि डीसीजीआई द्वितीय एवं तृतीय क्लिनिकल ट्रायल रे एहा फलप्रद होइतबा सूचना मिलिछि विशेष करि हॉस्पिटल रे रोगी को रहणी समय को एही औषध कमाइ थाय एवं ऑक्सीजन उपरे निर्भरशीलता मध्य ह्रास करि थाय ए मेडिसिन पाउडर आकार रे मिले एहा को पानी रे मिसाई रोगी को दिया जाय थाय आरपारी अमरेन्द्र महांती ओडिशार प्रसिद्ध संगीत निर्देशक तथा गायक देहांत होईची आज भोर प्राय पांचटा समय रे भुवनेश्वर एक घरै हॉस्पिटल रे तंकर मृत्यु होईची गुरुतर हेबारु गत तीन दिन हेला तंकु वेंटिलेटर रे रखा जाइथिला मृत्यु बेळकु अमरेन्द्र महांती को 63 वर्ष बयस होईथिला ओलिउड रे से बुलु नारे बेस लोकप्रिय थिले कोविड आम गहणरु आउ एक चिन्हा मुह को छड़ाइ नैछि तंको मृत्यु परे विभिन्न महल रे शोकर छाया खेली जाइछि आकाशवाणी रु निजर क्यारियर आरंभ करथिले अमरेन्द्र
यापरे से चलचित्र जगत रे पाद थापिथिले। श्रद्धांजलि थिला तांको प्रथम ओडिया चलचित्र। यहा परे से सुना पंजुरी, भाई हेला भगारी, बसुधा, अंटी छुरी तंटी काटे, सिंह बाहिनी, पवित्र बंधन, हे सखा, प्रेम अलगा प्रकार एवं रंग बरसिब टुपुर टापुर भली सिनेमारे संगीत निर्देशना देथिले। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ମୋର ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ତ ଅନେକ ଦିନର କେତେ ବର୍ଷ ଆଜିକି ପାଖାପାଖି 30 ବର୍ଷ ସହିତ ତାଙ୍କର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ନୁହେଁ କି 30 ଦିନ ନୁହେଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ଅନେକ କାମ ତାଙ୍କ ସହିତ କରିଛି ଛୋଟ ଜିଙ୍ଗଲ୍ସ ହେଲେ ବି ସେ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ତିନିଟି ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ କାମ କରୁଥାଉ ମୋ ବନ୍ଧୁ ବିଭୁ ଦାସ ମୋର ବନ୍ଧୁ ବାଣୀ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଯିଏ ମନମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ବିଭୁ ଦାସ ଯିଏକି ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଫୋକା ଭାଇଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତିନି ଜଣ ତିନୋଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଖୁଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲୁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ମିଶ୍ର ରାଇଟର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲି ଆମେ ତିନି ଜଣ ନିଜକୁ ଭାରି ଗର୍ବ କରୁଥିଲୁ ଏଇ ତିନି ଜଣ ଆମେ ଭାରି ଆଦର ଥିଲୁ ବୁଲୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ 30 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ 30 ବର୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ କେତେ କାମ ଆମେ ନ କରିଛୁ କହିବି ତମ ନିଜ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ମୋର ବୁଲୁ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଖବର ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମାନେ ନିଜକୁ ଅଟକେଇ ପାରିଲି ଭାଙ୍ଗି ଗଲି କିଛି ଦିନ ଆଗେ ତା ସାଙ୍ଗେ ମୋର କଥା ହେଇଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ବୁଲୁ ଭାଇ ଆଉ ତୁ ଏତେ ସୁଟ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଏତେ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛୁ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳିକି ରହିଛୁ କର୍ମ ହିଁ ତାର ଜୀବନ ଥିଲା ସବୁବେଳେ କହିଲେ ମୁଁ କର୍ମ କରି ଚାଲିବି ଅଟକିବିନି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ଅଟକି ନଥିଲା କିଛି ନା କିଛି ଚଲେଇଥିଲା ଯେଉଁଦିନ କୋଭିଡ ହବା ଦୁଇ ଦିନ ଆଗରୁ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଛି କହିଲି ବୁଲୁ ଭାଇ ତୁ କେମିତି ଅଛୁ ଭଲ ଅଛି ମୋର କ'ଣ ହବରେ ବାବା ମୁଁ କହିଲି ତୁ କୋଉଠି ଅଛି କହିଲେ ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ବସିଛି ମୋର ରେକର୍ଡିଂ ଗୋଟେ ଅଛି ଅର୍ଗସ୍ ଅପଡେଟ୍ କୁ ଏଇଠି ରଖିବା ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର।